Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Purane waqton ki baat hai, kisi mulk par ek badshah hukumat karta tha. Wo apni raya ka bahut khayal rakhta tha. Ek din gaon se guzarte hue usne ek kisan ko kaam karte hue dekha. उसने उस किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, 4 आने कमा लेता हूँ। 4 आने में किस तरह गुजर बसर करते हो? तो किसान ने जवाब दिया, 1 आने कर्ज देता हूँ, 1 आना कुएं में डालता हूँ, 1 आना कर्ज उतारता हूँ और 1 आना अपने और बीवी पर खर्च करता हूँ। बादशाह ने बड़ी हैरानी से पूछा, ये कर्ज देना और उतारना और कुएं में डालने का मतलब क्या है? किसान बड़ी दानाई से जवाब देता है, 1 आना कर्ज उतारने का मतलब अपने वालदैन पर खर्च करता हूँ, 1 आना कर्ज देने का मतलब अपनी औलाद पर खर्च करता हूँ और कुएं में डालने से मतलब अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। बादशाह किसान की दानाई पर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से कहा, जब तक मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो, किसी को इस बात का राज ना बताना। अगले रोज़ बादशाह अपने महल में तमाम वज़ीरों से इस बात का जिक्र करते हुए उनसे ये सवाल करता है, कोई भी इस बात का जवाब नहीं देता। मगर बादशाह का वज़ीर एक दिन की मोहलत लेकर उसी गांव की तरफ चल पड़ता है। वज़ीर किसान से इस बात का जवाब पूछता है तो किसान उसकी बादशाही की शर्त के बारे में बताता है। तो किसान उस वज़ीर से कहता है, मुझे 100 अशरफियाँ दो, मैं सारी बात तुम्हें बता दूँगा। वज़ीर अगले रोज़ बादशाह के सामने इस बात का जवाब दे देता है। बादशाह आग बगोला होकर इस किसान को अपने पास बुलाता है और किसान से उस शर्त का जिक्र करता है। किसान ने कहा, मैंने 100 अशरफियाँ पर आपका चेहरा देखकर ही वो बात वज़ीर को बताई। महल में बैठे सारे वज़ीर किसान की दानाई पर दंग रह गए। बादशाह ने किसान की इस दानाई को देखते हुए किसान को अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया। सारे फैसले और मशवरे उससे करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पान।